अब हम घी ऐड करने लगे इसके अंदर। हाय हाय हाय, फाइनल लुक चेक करें माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई, होप सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज छुट्टी है भाई और बाहर आऊँ मैं, ज़रा अपने खेतों की तरफ सोचा कि चलो आपको अपने खेत भी दिखाते हैं कि हमने जो गंदम लगाई हुई है किस तरह की हो गई है, क्योंकि बाहर का मौसम आपको पता है आज हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम चेक कर लें आप, ये देख लें जहाँ जहाँ तक नज़र जाएगी बादल ही बादल हैं। सूरज माशाल्लाह देख लें अभी निकला हुआ है, और ये देख लें माशाल्लाह गंदम भाई कितनी खूबसूरत है और कितनी घनी है, तो देख लें माशाल्लाह। ये इसे हम रोई बोलते हैं, लोगों ने अपने मुंजी की पराली होती है वो इस तरह से लगाई होती है। ये देख लें वो सामने कुछ इस तरह से उन्होंने एक तरतीब के साथ लगाई होती है। दूर दूर तक आप देख लें हल्की हल्की धुंध पड़ी हुई है, और माशाल्लाह ये खूबसूरती देखें, क्या बात है यार माशाल्लाह। नम जो लगाई हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बड़ी हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि गेहूँ में लोग यही उनका सरमाया होता है, यही उन्होंने साल भर 6 माह मुंजी और 6 माह ये गंदम खानी होती है चावल निकाल के, तो भाई यही इनका सरमाया और आखिरी हाल इनका यही है। ज़मीन ना हो तो ये बेचारे चीज़ें लेके अपना पैसों से तो गुजारा नहीं कर सकते। मैं जनाब अभी जाने लगा हूँ टाउन, उधर सबसे पहले करना है जाके नाश्ता, उसके बाद घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी है वो भी हम लेके आते हैं, और बिना टाइम जाए किए फट से चलते हैं और फट से फिर वापस आ जाते हैं। सर्दी है आज, वैसे दुआ करें कि धूप लग जाए, क्योंकि बारिश आगे बताई गई है, देखें अल्लाह पाक को जो मंजूर, अगर बारिश हुई तो फिर तो बेहद सर्दी हो जानी है। आप लोगों को पता है कि इधर से गाँव से वो चीज़ें नहीं मिलती जो हम टाउन से जाके लेके आते हैं, तो दो राउंड लगते हैं, एक चुबारा लगता है और दूसरा किंगरा। किंगरा में ये ज़रा चीज़ें थोड़ी सस्ते में मिल जाती है, चुबारे में थोड़ी चीज़ें महंगे में मिलती है, इसलिए हम किंगरा को ही ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो उधर ही जाते हैं, उधर से ही जो चीज़ें चाहिए हम वही उधर से लेके आते हैं। किंगरा जनाब हम पहुँचा हैं, लेकिन हो गई है बाइक ख़राब, बाइक में थोड़ा सा मसला आ गया, वो ठीक करवा रहे हैं इधर से, फिर उसके बाद फिर हम संभाल लेते हैं। ये देखिए भाई बाइक को थोड़ा सा मसला हो गया, ये खुल गया अंदर से सारा सीन, गोश्त लेने आए हैं जी भी, गोश्त लेंगे इधर से 1 किलो घर के लिए, सीना 20। वाह ये हुआ ना गोश्त खाने लायक, गोश्त तेरा ही खाने वाला होता पूरे किंगरे चो। लेते हैं 1 किलो गोश्त क्योंकि घर के लिए बनाना है, और बाकी का सामान वो भी मैंने उधर कह दिया लड़के को, कहता कि भाई मैं थोड़ी देर तक आपको दे देता हूँ, उधर से गोश्त लेते हैं उसके बाद फिर हम चलते हैं वापसी। नाश्ता आज नहीं मिला क्योंकि नाश्ते में आज उसने कुछ भी नहीं बनाया हुआ। तो ये देख लें माशाल्लाह इनकी दुकान है भाई, इधर से हम गोश्त लेके जाते हैं, और मेरा फेवरेट सीना पीस है, सीना मतलब ये से हड्डी वाली बड़ी बोलते हैं वो है। देखिए मंडी हम आए इधर से कुछ चीज़ें लेने के लिए, तो ये है किंगरा की सबसे बड़ी मंडी, ठीक है ना, ये चेक करते हैं आप। सामान जी सारा मैंने ले लिया है, गोश्त भी ले लिया, बाकी उधर से मंडी से भी मैंने कुछ सब्जियां ले ली हैं, अभी हम चलते हैं घर को क्योंकि जाके बना के फिर खाना है। नाश्ता इधर से नहीं हो सका, रास्ते में भाई आज मुबशर से देख मिला, सलाम ली बस, वालेकुम सलाम करके चला गया, मैंने सोचा चलो मिलते हैं, लेकिन वो कार पर था हम बाइक पर थे, टाइम नहीं मिला, लेकिन मिलेंगे इससे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। घर आते ही आशा मुझे कह रही है मुझे झूला दो, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बात नहीं आ रही, कहती मैंने झूला लेना ही लेना है, तो इसे सिस्टर की तरफ छोड़ते हैं क्योंकि उधर ठीक रहेगी, ठीक है ना। कैटो किधर, कैटो किधर है भाई, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, सुबह की उठी हुई है तो अभी तक सोई नहीं है, सिस्टर की तरफ छोड़ते हैं, उधर हसन अली रजा के पास रहेगी, खेलेगी उधर। तो मैं जी सिस्टर की तरफ आ गया हूँ आशा को लेके, अली रजा स्कूल गया हुआ है, हसन इधर ही है। हमारे गांव में ये सीन होता है कि घर साथ साथ ही होते हैं, लाइक ये देख लें और वो आगे देख लें, मतलब ये इसके साथ वो सामने हमारी गली, ये सिस्टर का घर है और वो सामने मस्जिद मीनार है। तो ये हमने जब सिस्टर का लिया था ना ये वाला घर, अब हमें बड़े बारे में मिल गया था, कह लेंगे तकरीबन 6-6.5 लाख का मिला था, तो अब इसकी कीमत बहुत ज़्यादा अप हो चुकी है। तो अभी जी नाश्ता करते हैं, सिस्टर की तरफ आए हैं तो वो कह रहे हैं कि इधर से नाश्ता करो, मैंने कहा चलें ठीक है, तो स्पेशल नाश्ता है भाई,
दिखाते हैं आपको, ये देख लें माशाल्लाह। ये आपने कमेंट में बताना है क्या है, और साथ में ये चावल का ढोडा, और ये साग, साग है भाई गेहूँ की जो सुगात है वो ये है। अभी मैं खाने लगा हूँ, खाने के बाद फिर बताते हैं इसका टेस्ट। ये खाना खाने के बाद ढोडा और साग बहुत बहुत टेस्टी था, तो मैं घर आ गया हूँ और आज मैं खुद कुकिंग करूँगा भाई। आज गोश्त मैं खुद बनाऊँगा, तो आपने देखना है, मिस नहीं करना व्लॉग को, क्योंकि आपका भाई आपको पता कि खाने अच्छे बना लेते हैं। तो टाइम देख लें, 11 होने लगे हैं, तो गोश्त बनाते हैं। अभी रखा वो ऊपर, तो आवाज़ें आपको आ रही हैं, क्योंकि उससे पहले क्या बोलते हैं प्रेशर में रखना है, उसके बाद फिर उसको अच्छे से हमने पकाना है। बंदे जनाब ये देख लें, इधर से सीमेंट उठा के लेके जा रहे हैं साथ वाले, इन्होंने प्लस्तर करना था अपना मकान। ये देखें इसके काम चेक करें, ये मिस्त्री बन जाएगा। अभी चलते हैं दूसरे घर जिधर से वो प्लस्तर कर रहे हैं ना, हम आपको वो सीन दिखाते हैं। बड़े मेहनती बंदे हैं ये, सारे भाई लगे हुए हैं ये चक्कर। ये साथ वाला घर है, तो ये भाई लगे हुए हैं, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, है की कर दे भाई, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। वो सामने देखें, सामने वाला रूम में प्लस्तर करना है, ये तरीका कर अच्छा है। ये साफ कर रहे हैं भाई, वेरी गुड। ये भाई देख रहे हैं इसको साफ करने का तरीका, इस तरह ये साफ करते हैं। ये इसके अंदर डस्ट देख लें आप लोग कितनी ज़्यादा है। तो बाद में ये वो सामने वाला जो अंदर नज़र आ रहा है आपको, शायद आ रहा है नहीं आ रहा, वो इन्होंने प्लस्तर करना। ये देखकर ये बंदा भी वो लग रहा है, लेकिन अभी वीडियो नहीं बना रहा, पता नहीं क्या मसला, क्यों नहीं बना रहे भाई, की वजह है? टाइम कढ़ो भाई, टाइम कढ़ना पैंदा, इस तरह थोड़ी बंदा वायरल होंदा, टाइम कढ़ना पैंदा। कोई भी हुण इहदे वास्ते ते टाइम कढ़दे पैणा, छुट्टी अज तो टाइम कढ़िया करो। वीडियो बनाता था लेकिन अच्छे व्लॉग बनाता था, लेकिन पता नहीं इससे क्या, इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी तकरीबन 30K शायद या 40K, उस पर व्यूज़ आए थे, तो सब्सक्राइबर भी इसके अच्छे थे, लेकिन फिर से छोड़ गया। मिस्त्री बंदा हो तो मिस्त्री को तो चाहिए वायरल हो जाना। बनाओ यार, बनाया करो वीडियो। ये बंदे काम लगे हुए हैं जी, और मेरा काम इधर शुरू होने लगा है। अभी मैं खाना बनाऊंगा, और मज़े वाला खाना, मज़े वाला समझते हैं ना, कि गोश्त मैं उधर भी शोरूम पे बनाता हूँ, इधर भी घर में भी, जब जिस दिन छुट्टी हो उस दिन तो मैं स्पेशल बनाता हूँ। देख लें भाई, अभी दम पे लगा हुआ था, ठीक है, इसे ज़रा मिक्स करते हैं हम। मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, और बाकी के जो मसाले वो हम ऐड करेंगे जनाब। आज कुकिंग देख करें, कुकिंग जो है ना वो बड़े कमाल की होगी इंशाल्लाह ताला। ये देख लें भाई माशाल्लाह गोश्त। तो लें गाइस, अभी जनाब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा घी, और घी ऐड करने के बाद भाई सारे मसाले हम ऐड करेंगे। ये पीछे जो आप लोगों ने इसे नहीं देखना, क्योंकि किचन है तो बस इस तरह ही काम चलता है विलेज में, वैसे भी ये भी बनाएंगे इंशाल्लाह दूसरे घर में, लेकिन आज आप लोगों ने ऐसे ही देखना और ऐसे ही चलेगा इंशाल्लाह। तो हम घी ऐड करते हैं, ये देख लें कि अब हम घी ऐड करने लगे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर पहले भी था, तो ये घी ऐड हो गया। उसके बाद हम ये मसाले जो हैं ये ऐड करेंगे, इसमें धनिया पाउडर, लहसुन पाउडर, और ये थोड़ी सी मेथी है, ताकि जायके इसका अच्छा, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिस दिन छुट्टी है उस दिन दिल करता है कुछ अलग बनाने को, कुछ अपना दिखाने को, अपना फन दिखाने को, तो ये सारी चीजें होती है। तो ये किचन हमारा थोड़ा छोटा सा है, लेकिन आपने इसे इग्नोर करना है, ठीक है। हाय हाय हाय, फाइनल लुक चेक करें माशाल्लाह जी, ये देखें गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया, ये चेक करें। और अभी थोड़ी देर तक जनाब हम खाते हैं मज़े से, ये चेक करें, वाह वाह क्या बात है। अच्छा जनाब हमारी रेडी हो गई, आ गई है उधर गई उधर सिस्टर की तरफ, तो माशाल्लाह देख रहे हैं रेड सूट इसने पहन ली, जो इसके बर्थडे पे दिया था। अभी कहते हैं मुझे छत पे लेके चलो, तो चलते हैं हम छत पे। कुकिंग मैंने नहीं थी की, कुकिंग की थी घर वालों ने, और मैंने सिर्फ अपना नाम ही दिया कि भाई मैं कुकिंग कर रहा हूँ ये वो। तो जब मैं कुकिंग करता हूँ आपको पता है मैं प्रॉपर ही व्लॉग बनाता हूँ। अभी मैं जाने लगा हूँ जनाब चुबारे, उधर से कुछ रोटियाँ लेके आनी है, और रोटियाँ लेने के बाद फिर आके हम घर आके खाएंगे इंशाल्लाह आराम से मज़े से, क्योंकि घर में आ गए कुछ मेहमान, और मेहमानों के लिए फिर सोचा कि चलो जल्दी से हम उधर से, क्योंकि सालन तो घर में बन चुका है, तो रोटियाँ फट से ले आते हैं,
आगे भाई उनकी मेहमानवाजी भी हो जाए, वो भी खा लें। चलें भाई इधर से हम नान लेते हैं, नान लेने के बाद फिर हम घर को चलते हैं। ये पीछे इधर आए क्योंकि पहले हम जाते थे चुबारा, लेकिन चुबारा से अब इधर नज़दीक होगा गाँव, तो इधर से लेके फिर साथ में पकौड़े लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह जरूर कि नहीं लोगों के साथ। अपने बहुत से दुआ मुझे याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल भी रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने भाई को देने ज़्यादा। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।